किसान भाइयों नमस्कार। आज खेत के अंदर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बासमती का बीज कैसे बनाएं। जैसे कि पूर्व के वीडियोस में भी हमने आपको बताया है कि यदि आपने अपना बीज खुद बनाया, इसका मतलब जो सबसे अच्छा बीज संभव है वो आप खुद बना सकते हैं, और यदि खुद बनाया तो आपकी बहुत सारी समस्याएं खेती की खत्म हो जाती हैं। अच्छा बीज यदि आपको मिल जाता है तो उसमें बीमारी कीड़े भी कम लगते हैं, उसका उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तो क्या करना है बीज बनाने में? कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं चलानी है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। आप ये देख रहे हैं मैं इस खेत में हूँ, आप यहाँ से लेके और पूरा देखेंगे दूर तक तो आपको ये फसल एक जैसी नज़र आएगी। जो भी प्लॉट आपने बीज के लिए फिक्स किया है उस प्लॉट में कोई भी पौधा जो ऊंचा या नीचा हो उसको आप खेत से काट दीजिए, एक जैसी फसल आप रखिए। ये जो प्रक्रिया है, जो भी इन आँखों को दूसरे तरीके का पौधा नजर आता है, कोई भी पौधा भले ही वो, जैसे ये आज हम जो देख रहे हैं ये पूसा बासमती 1728 का प्लॉट है, इस प्लॉट में भी आपको ऐसा कोई पौधा नजर आता है जो ऊंचा हो नीचा हो, उन पौधों को निकाल दीजिए। जैसे ये देखिए मेरे सामने मेरे साथी ये ब्रजपाल हैं और ये हमारे इस फार्म पर पूरा बीज उत्पादन का काम देखते हैं, खास तौर से रोगिंग का। इस तरह से आप, क्योंकि अभी बाली नहीं आई है तो ऐसी स्थिति में भी खेत में घूमिए दराती साथ लेके, और जब हम इस तरह से देखते हैं कोई भी पौधा जिस पे जरा भी डाउट लगे आपको उसको बस काटते रहना है। जैसे कि मैं भी देख रहा हूँ कोई कोई पौधा कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये अलग हो सकता है, लेकिन नहीं है। जैसे देखिए, मैं डॉक्टर तोमर से निवेदन करूंगा वो पास में आए। देखिए एक पौधा है, सारे पौधे बाली नहीं आई है और एक पौधे में बाली आ गई है, आप देख रहे हैं इस पौधे को। तो इसका मतलब ये है भले ही ये 1728 का हो, आपने इन पौधों को नहीं रहने देना है, काट देना है। इस तरह से यदि आपने रोगिंग की तो आपके खेत जैसे आप ये नजर आ रहा है आपको, इसी तरह से आपके खेत होने चाहिए और यही आपकी बीज की फसल होगी। ये बीज नहीं होगा, बीज की फसल होगी। तो बीज की फसल को फिर बीज कैसे बनाना है वो हमने पहले भी बताया है कि जब आपकी ये फसल पक जाएगी तो 6 से 8 इंच ऊपर से काटना है। आगे की कड़ियों में हम जब इसमें बाली आएगी उस समय पर ये प्रक्रिया बहुत दोहरानी है, रोगिंग की प्रक्रिया लगातार देखना है। कोई भी बाली जो पहले आए जो बाद में आए उनको काट देनी है। फसल तैयार हो गई, 6 से 8 इंच ऊपर से काटिए और इसको थ्रेसिंग करने के लिए, क्योंकि इसकी ग्रेडिंग करनी होती है। ग्रेडिंग 20-25 लाख रुपए की मशीन आती है जो हमारे पास नहीं है, उसका बड़ा आसान तरीका है। जब आपकी ये फसल तैयार हो जाएगी, जब आप इसको काटने के बाद सुखा लेते हैं, पीटने के लिए 2 ठिकाने बनाइए, एक आपने यहाँ ड्रम रखा एक यहाँ रखा, और जो आपने बंडल लिया एक हल्की चोट इधर मारी और बाकी सारा दूसरी जगह झाड़ी। इस तरह से आप यदि कर लेंगे तो क्या होगा, जो एक चोट मारी थी उसमें शुरुआत के जो दाने थे वही जो पहले निकलते हैं, जिनमें विगर बहुत होता है, जो बहुत पहलवान होते हैं, वही पकते हैं वही गिरते हैं, तो ग्रेडिंग हो जाएगी। दूसरा वाला आप बाजार भेज दीजिएगा। इस तरह से साफ करके सुखा के रखिए, ये आपका बीज तैयार हो गया। अगली कड़ी में हम आपको जब बाली निकलेगी उस समय पर भी दिखाएंगे, खेत में करके बताएंगे कि किस तरह से बीज का उत्पादन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और निश्चित रूप से आप भले ही थोड़ा सा लेकिन बीज जरूर बनाएंगे, और यदि आप बीज बनाएंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।